नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर आप फ्रेशर हैं राइट, और या फिर आप एक्सपीरियंस वाले, यहाँ पे मैं दो यहाँ पे रखूँगा, दो चीज़ें यहाँ पे रखूँगा, और जिनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए जो लाइक हेल्प डेस्क में काम कर रहे हैं, आईटी सपोर्ट में काम कर रहे हैं, और या फिर लाइक आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं या हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो मूव करना चाहते हैं नेटवर्किंग में, जिनको 2 साल 3 साल या 4 साल एक्सपीरियंस हो गया है और वो अब जो है नेटवर्किंग पढ़ना चाहते हैं और नेटवर्किंग में मूव करना चाहते हैं राइट। तो पहले फ्रेशर के लिए, तो फ्रेशर के लिए बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन, अगर आप है ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप बीसीए या कुछ भी आप करते हैं, बेसिकली आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 15 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए राइट। उसके बाद जो है आप नेटवर्किंग में सीसीएन से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग में, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेशन हो या ना हो दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों बराबर रहता है, कोई ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं रहते हैं। और एक उसमें आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो भी आपको कमांड रन करनी है वो आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से काम होना है वो आपको पता होना चाहिए राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप फ्रेशर हो, नेटवर्किंग में मूव करना चाहते हो, नेटवर्किंग में अपना करियर जो है स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको वो सब चीज़ें जो है आपको करना होगा। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ें होनी चाहिए, और जिसे मैं वीडियोज में बताता रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद जो है एक्सपीरियंस जो रहते हैं नेटवर्क इंजीनियर, अगर मैं बात करूँ यार, बेसिकली जिन्होंने कोर नेटवर्किंग से स्टार्ट करी है, आई डोंट थिंक सो कि उन्हें कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत है, या फिर क्योंकि वो लोग काम कर रहे होते हैं डिवाइसेस पे, उन्हें वो चीज़ मिली होती है जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, और वो उसी चीज उसी तरीके से वो लोग जो है कर पाते हैं, मतलब कर पाते हैं इन द सेंस कि वो इंटरव्यू दे देते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस डिवाइसेस पे उन्होंने काम किया हो, और बस उनके अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मुझे ये पता है कि जो बंदे रियल नेटवर्क या रियल एनवायरमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे एक जो काम मतलब एक बंदा कर रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उसको बताने में कोई प्रॉब्लम हो। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कोई भी मतलब आईटी सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट या किसी भी सपोर्ट में काम कर रहा है, वो वहाँ पे सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो नेटवर्क में मूव होना चाहता है। ठीक है, नेटवर्क में मूव होना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ यार, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, उसमें आपको माइंड में आपके यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट, और आपको बोलना है कि आपको रिलेवेंट कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जितना आप हाई एक्सपीरियंस बोलोगे उतने आप फंसोगे, उतना ही वो आपसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे बेसिक चीजें क्या है कि जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल हैं और ओएसआई मॉडल, तो आपको यहाँ फिट होना चाहिए, क्योंकि ओएसआई मॉडल ही एक ऐसी मतलब मॉडल है जिसपे सारा नेटवर्किंग काम करता है, और उसके ऊपर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मेरी राउटिंग और किस तरीके का मेरा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक किस लेयर पे काम कर रहा है, ये सब चीजें आपको यहाँ होनी चाहिए। और जितने भी राउटिंग की कमांड है, कंसेप्ट है, ACL जो है, एक्सेस लिस्ट जो है, वो सब आपको यहाँ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, बिल्कुल ही कूल माइंड से आप प्रिपरेशन करो, और दबा के टेस्टिंग R&D करो, आप जितनी आप लैब प्रैक्टिस करोगे GNS 3 पे या फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका कमांड्स होंगी। अब मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, यार वो अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको राउटर पे या स्विचेस पे काम करने को मिल रहा है, मेरे दोस्तों भाइयों, वो सिर्फ 6 महीने में 1 साल में काम करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, वही अपनी पैकेट ट्रेसर पे सब कुछ वो लोग ऐसे करते हैं GNS 3 पे, और बस ये रहता है कि जिनके जो उनके पास इमेज होती है वो उसी के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं राइट। तो आपको जो इमेज है GNS 3 पे, आप इमेज में टेस्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके बाद आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पे दबा के टेस्टिंग करो, ताकि आप अपने अपने
कंसेप्ट बनाओ, आप अपना सर्च करो, रिसर्च मारो, मेरे से आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से ऐड हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ऐड बात कर सकते हैं। मैं लेट रिप्लाई करूँ लेकिन रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप वहाँ पे टोपोलॉजी बना सकते हो, टोपोलॉजी बनाओ अच्छे से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और सब नेटिंग देखो, राउटिंग की कमांड्स आपको पता होना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं फर्स्ट लेवल पे आपको पता होना चाहिए, किस तरह ब्लॉकिंग है, किसी पोर्ट को एक्सेस कराना है, ये सब चीज़ें आपको टेस्ट करनी है। तीसरी चीज़ है कि आपका माइंड में हर चीज़ रहनी चाहिए कि हाँ कौन सा राउटर है, एक ही राउटर पकड़ लो, उसी राउटर पे प्रैक्टिस करो, उसी का नाम लो, मेरे ऑफिस में वही राउटर लगा हुआ है, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, ये सारा आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने आप, विजुलाइज आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी ताकि उनको लगे कि आप जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके आए हो, क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो उस केस के लिए आपको जो है ये चीजें अपने माइंड में प्रिपेयर करनी है। और हमेशा के लिए एक रूल बनाओ कि वीकेंड पे एक बड़ी लैब और वीकडेज में जब भी आपको टाइम मिले एक छोटी लैब जरूर करो आप, ताकि आपकी कमांड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है जितने भी मेरे चैनल पे जुड़े हैं वो सब ऐसे ही बंदे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मूव करना चाहते हैं या अच्छी जॉब करना चाहते हैं। तो यार बेसिकली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस करो और हिम्मत मत हारना। कभी भी इंटरव्यू पे जाओ, वहां पे जैसे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको नोट करो आप वहीं पे बैठ के और उनको लेके आओ। अगर आपको कोई वीकनेस लग रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो, राइट? तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप जो है वहां पे बोल पाओगे, वहीं पे आप कॉन्फिडेंस रहोगे, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट रहेगा। और वो ऐसा ही लेयर की सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ो, पोर्ट वगैरह आप अच्छे से पढ़ो कि किस सर्विस का क्या पोर्ट होता है और उसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर वो सब कुछ आपसे पूछ सकता है, विंडोज के बारे में भी पूछ सकता है, कोई सर्विस अलाउ करानी है उसके बारे में भी पूछ सकता है, फिर फायरवॉल आती है, फायरवॉल्स पे क्या क्या होता है, SSL VPN, IPsec VPN, वेब पॉलिसी, एप्लीकेशन पॉलिसी, आपको रूल बनाना है, VPN रूल बनाना है, DMZ क्या होता है, और अगर आपको कुछ फॉरवर्ड कराना है पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, और उसके बाद आपकी फायरवॉल फेल हो गई, हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है, ट्रैफिक लोड बैलेंसर क्या होता है, ठीक है, DNS लोड बैलेंसिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको जो है माइंड में होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि नेटवर्क इंजीनियर करता क्या है, अगर आपके पास कुछ इशू आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, वो आप कैसे करोगे, मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हो वीडियोस में मेरी। तो इस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका मेरी वीडियो देख के कुछ सवाल है आपके मन में तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे बताइए और मैं आपका जो है आंसर दूंगा। और अगर आप मेरे से सोशल मीडिया वगैरह पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं, आप उनमें से इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड कर सकते हो और हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मतलब मेरा यही बोलना था कि आप जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए और रियल एनवायरनमेंट की तरह आपको सोचना है, आपको काम करना है। और अगर मेरे से आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करके एक वीडियो भी बताऊंगा कि रियल एनवायरनमेंट में किस तरीके से काम होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।